नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपका स्वागत है हिस्टोरिक हिंदी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स की, जहां पर किसी भी एरोप्लेन को लैंड करवाना बहुत ही खतरनाक होता है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो एयरपोर्ट्स। सबा एयरपोर्ट, डच कैरेबियन। सबा एयरपोर्ट समुद्र के किनारे एक छोटी सी चोटी पर बना हुआ है। इस एयरपोर्ट को देखकर लगता है कि यहाँ पर कैसे कोई विमान लैंड हो सकता है। यही नहीं, सबा एयरपोर्ट का रनवे दुनिया का सबसे छोटा रनवे है। ये केवल 400 मीटर का है। रनवे के दोनों छोर पर खाई भी है, यानी पायलट के पास गलती करने का कोई भी स्कोप नहीं है। एक गलती और विमान सीधा खाई में जा सकता है। लुकला एयरपोर्ट, नेपाल। इस एयरपोर्ट को तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लुकला एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है। 527 मीटर लंबे रनवे वाला ये एयरपोर्ट 9500 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। यह रनवे सीधे खाई की ओर खुलता है, सामने पहाड़ और तेज हवाएं। इस वजह से इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ कराना किसी भी पायलट के लिए आसान नहीं होता। रनवे की लेंथ भी छोटी है, लैंडिंग और टेक ऑफ की दिशा भी एक ही है, और वो भी खाई वाली दिशा। इसलिए एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ के पहले तक जहाजों की वेटिंग लगी रहती है। कॉर्शेवेल एयरपोर्ट, फ्रांस। कॉर्शेवेल एयरपोर्ट अपने रनवे के लिए खासा फेमस है। एक तो 527 मीटर का छोटा रनवे, ऊपर से वो भी सीधा नहीं। इस एयरपोर्ट के रनवे में आगे की ओर ढलान है और फिर खाई। दुनिया में किसी भी पायलट के लिए इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग का कोई दूसरा चांस नहीं होता। एक बार में परफेक्ट लैंडिंग करनी होती है। यहां तक कि इस एयरपोर्ट पर किसी भी लाइट की व्यवस्था नहीं है और खराब मौसम में यहां लैंडिंग करना लगभग असंभव हो जाता है। आइस रनवे, अंटार्कटिका। यह आइस रनवे रॉस आइलैंड पर एक ज्वालामुखी की चट्टान पर बना हुआ है। इस रनवे को पूरी तरह से सफेद बर्फ से बनाया गया है। ठंड के मौसम में इस इलाके में 24 घंटे अंधेरा रहता है। आइस रनवे में कोई भी लाइट न होने के कारण पायलट को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि वो अंधेरे में भी लैंडिंग करा सके। पारो एयरपोर्ट, भूटान। अगर आप पायलट हैं और कोई आपसे कहे कि बिना किसी रडार वाले एयरपोर्ट पर विमान को लैंड कराना है, तो इससे खतरनाक क्या हो सकता है। भूटान के पारो एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग को गाइड करने के लिए कोई भी रडार उपलब्ध नहीं है। इस एयरपोर्ट के 2265 मीटर के रनवे पर पायलट को मैनुअल मोड में ही ये सब करना होता है। यही वजह है कि इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए 20 से भी कम पायलट ही योग्य हैं। इस एयरपोर्ट की खास बात यह भी है कि यहाँ दिन की रोशनी में ही विमानों को आवाजाही की अनुमति है। बादल होने पर भी यहाँ विमानों को डाइवर्ट कर दिया जाता है। प्रिंसेस जूलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेंट मार्टिन। इस एयरपोर्ट का रनवे लगभग 2300 मीटर का है, जो कि बड़े जेट विमानों की लैंडिंग के लिए काफी नहीं है। रोचक बात यह है कि इस एयरपोर्ट से पहले समुद्र का किनारा भी पड़ता है। पायलट को लैंडिंग और टेक ऑफ से पहले इसका खास ध्यान रखना होता है। मजे की बात यह है कि यहां बीच पर मौजूद लोगों के सिर के काफी करीब से विमान गुजरते हैं। जिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक सिविलियन एयरपोर्ट है। यह ब्रिटेन के ओवरसीज क्षेत्र जिब्राल्टर में मौजूद है। इस एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इसका 1776 मीटर का रनवे शहर की सबसे व्यस्त सड़क से होकर गुजरता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, रनवे शहर की सड़क के बीच से गुजरता है। इसका मतलब यह है कि जब भी यहां से विमान गुजरता है तो सड़क पर मौजूद ट्रैफिक को रोकना पड़ता है। यानी पायलट को एयर ट्रैफिक के अलावा रोड ट्रैफिक के भी नियमों का पालन करना होता है। वेलिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यूजीलैंड। वेलिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के दोनों छोरों पर पानी ही पानी दिखता है। इस एयरपोर्ट का रनवे भी सिर्फ 2081 मीटर का है। नॉर्मल एयरपोर्ट की तुलना में देखा जाए तो ये काफी छोटा रनवे है। इस एयरपोर्ट पर पायलट की एक गलती से विमान सीधे पानी में जाकर गिर सकता है। नर्सर सुवाक एयरपोर्ट, ग्रीनलैंड। इस एयरपोर्ट के लिए अगर कहा जाए कि यहाँ का रनवे पायलट को दिखता ही नहीं है, तो यह गलत नहीं होगा। बर्फ से ढके इस एयरपोर्ट के 1830 मीटर के रनवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ बेहद ठंडे तापमान और तेज हवाओं के बीच होती है।
बर्फ के कारण न केवल इस एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी की कमी होती है बल्कि इसके आसपास सक्रिय ज्वालामुखी भी मौजूद हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यह कितना खतरनाक रनवे है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।